इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि प्रॉफिट के अंदर जो है ना, एक स्टॉक की प्रॉफिट मेकिंग कैलकुलेशन आपने मुझे बताई, इसके अलावा भी कोई सोर्स ऑफ प्रॉफिट है क्या इस बिज़नेस में? जैसे कि रिटेल बिज़नेस में जब हम बैठे होते हैं तो वहाँ पे शेल्फ रखे होते हैं, शेल्फ के रेंट लिए जाते हैं, ब्रांड से कंसर्न करके जो है उनको स्पेस दी जाती है, ब्रांड को रेंट पे स्पेस दी जाती है शेल्फ के अंदर, स्टोर के अंदर की, तो इस तरह का प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम है? हाँ, इस पे किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कस्टमर कितना है। अब जितना आपके पास ज़्यादा कस्टमर होगा, इतना आपको रेंट भी मिल सकता है, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। पहले तो आपको, सबसे पहले तो आपके पास कस्टमर होने चाहिए। कस्टमर आपके पास ज़्यादा है तो इन चीज़ों पर आप वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने कहा, कस्टमर किस तरह आएगा, क्या चीज़ें आप ऐसी दोगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट करेगा, वो सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद तो फिर आपके पास आ गई कि आपको किस तरह चलना है, आपको रेंट लेना है कि नहीं लेना। अगर रेंट नहीं भी लो तो कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके पास खुद के पास खुद की वेराइटियाँ जितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा शोरूम है, आपने अपनी इंडस्ट्रियाँ बना ली, आप अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहे हो, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो बहुत सा काम हो सकता है। क्योंकि सबसे जो बड़ा एडवांटेज जो है इसमें, जो मैंने आपको कहा कि आपके पास, आपको रात को आपके आपके पास आपका पैसा आ जाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप बहुत से काम कर सकते हो। होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस में ये फ़र्क आ जाता है कि वो आपको उधार बेचना पड़ता है, उसकी रिकवरिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बस जो जो तीन चार चीज़ें मैंने की, अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट कर लें तो आप काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं।